टीम क्या है और टीम वर्क किसे कहते हैं, ये कुछ सवाल जो हैं लोगों के जहन में तो आते हैं पर वो उन सवालों के जवाब खोजना नहीं चाहता। टीम के साथ काम कर रहा है उसे यही लगता है, जहां चार लोग साथ खड़े हैं वो टीम ही तो है, पर वो टीम नहीं है। टीम एक लक्ष्य को प्राप्त करने में हर व्यक्ति का योगदान है। जैसे अपने क्षमता से बड़े सामान को उठाने के लिए चींटियां टीम वर्क में काम करती हैं। एक बड़ी सी लकड़ी को कुछ छोटे बच्चों को मिलकर उठाना टीम वर्क है। मैच को जीतने के लिए हर एक खिलाड़ी को अपना बेस्ट देना होता है, और जिस टीम में हर खिलाड़ी अपना योगदान और अपना बेस्ट देता है उसी टीम में होते हैं अचीवमेंट। और सेफ शॉप की एक बेस्ट टीम आज आपके सामने है, जो अचीवमेंट दिलवा रही है सिसेर कुमार नायक को। श्री शिवराम नायक और उनकी पत्नी श्रीमती पुष्परानी नायक की तीसरी और सबसे छोटी संतान सिसिर नायक का जन्म 9 अप्रैल 1986 को सिमलापल गांव जिला बंकुरा पश्चिम बंगाल में हुआ। अपनी दोनों बड़ी बहनों के साथ गांव के स्कूल मदरिया प्राथमिक विद्यालय से पढ़ाई की शुरुआत हुई। पिता खेतों में खेती को संभालते और अर्थ का साधन मजबूत करते। लहलहाते खेतों में मेहनत कर पिता ने सिसिर को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। स्कूली शिक्षा के साथ सिसिर को एक दोस्त मिला, जिनकी दोस्ती पुतीदाह स्कूल से हाईस्कूल करने के साथ और मजबूत हुई, साथ पहुंची पंचमुरा महाविद्यालय तक। इसी समय सिसिर ने सनी देओल और सुनील शेट्टी की फिल्म बॉर्डर को देखा तो देश सेवा का जुनून सवार हो गया और सेना की भर्ती में चले गए। पहले ही प्रयास में भारतीय सेना में चयनित हो गए। 2004 सेना की वर्दी पहन ली, गया ट्रेनिंग का स्थान बना और मेहनत लगन के बल पर दिन रात यहां पर ट्रेनिंग ली और उसमें ट्रेनिंग चैंपियन हो गए। अभी नौकरी करते हुए 2 ही बीते थे कि बीमारी के बाद पिताजी का देहांत हो गया। अब खाली हाथों में पिता की यादों के साथ परिवार की सारी जिम्मेदारियां सिसिर के कंधों पर थी। एक बहन की शादी पिता करके गए थे पर एक बहन की शादी सिसिर की जिम्मेदारी थी तो 2006 में अपनी बहन की शादी करा दी। समय बीता, नौकरी पर मां की सेवा में चिंतित रहते। 18 नवंबर 2010 समय देखा और मां का आशीर्वाद ले दुर्गा के साथ शादी के बंधन में बंध गए। दुर्गा नायक ने मां की सेवा में सिसिर का साथ देना शुरू किया और शुरू हुआ गृहस्थ जीवन। परिवार और नौकरी में व्यस्त हो गए, समय कब गुजरा पता ही नहीं चला। एक बेटे अर्पण के पिता बने, नौकरी में 10 हो गए थे, बंगलौर में ड्यूटी थी। इसी समय बचपन के मित्र संजय पाठक का फोन आया और बातों बातों में सेफ शॉप का जिक्र हुआ। उसे फोन पर ही समझा, दोस्त के कहने पर सेफ शॉप को ज्वाइन कर लिया कि पार्ट टाइम करते रहेंगे, 2 भी आ जाएंगे। पर जब बेंगलोर में एक फंक्शन देखने का मौका मिला तो नरसी ग्रेवाल सर से बात हुई, वो भी आर्मी बैकग्राउंड से थे। तो सिसिर के मन में भी चाहत जगी कि यहां से मैं भी पैसा और सम्मान कमा सकता हूं, तो हाथों में सेफ शॉप के दस्तावेज ले निकल पड़े। हर उस इंसान के पास
जिसे वो जानते थे। कुछ लोग मना करते तो कुछ साथ आ जाते। ये तो नहीं थी वो सुबह जो रातों को जिसकी खातिर चले, कटता नहीं है ये रास्ता लो, होते नहीं कम ये फासले, पर कम होंगे बढ़ते रहेंगे ये हौसले, ये हौसले। पर ट्रांसफर असम हो गया तो नरसी सर ने दिशा ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा। वहां जाकर शिशिर ने मन बना लिया कि अब फुल टाइम सेफ शॉप ही करना है। मात्र 53 लोगों की टीम के साथ आर्मी से वीआरएस ले लिया और फुल टाइम सेफ शॉप करने लगे। अभी टीम बनना शुरू हुई थी कि दोस्त और शुभचिंतक से मार्गदर्शक बने संजय पाठक का देहांत हो गया। तब लगा कि अब कैसे होगा। तब नरसी सर ने 3 लोकेशन में एक लोकेशन को चुनने को कहा, दिल्ली, बेंगलोर और कोलकाता। तो कोलकाता को चुना। अब यहां जो था वो था स्ट्रगल। नौकरी से पैसा आना बंद था और लोग नहीं जुड़ रहे थे। मन परेशान था और दिल नौकरी खोने के दर्द में डूबने लगा। सारे रास्ते बंद नजर आने लगे तो लगा अब सेफ शॉप नहीं करना चाहिए। एनसी विश्वास सर ने शिशिर का हाथ थाम लिया काउंसलिंग की और शिशिर ने एक बार फिर कोशिश करने का निर्णय लिया। तो कोलकाता से जीरो से ही शुरुआत करने के लिए आगे बढ़े। संकल्प लिया कि जब तक एक प्लान नहीं दिखाऊंगा उस दिन खाना नहीं खाऊंगा। इसी एक बात ने जीवन को चेंज किया और बदलाव सेफ शॉप के पार्ट पर अचीवमेंट बनकर साथ आया। सिल्वर से शुरू हुआ सफर टोपाज, गोल्ड और पर्ल के साथ अपनी गाड़ी और मकान के साथ कई विदेश यात्राएं भी अचीव होने लगी। और एक समय आया जब सारा देश और दुनिया कोरोना के साए में थी। तब लोगों की नौकरियां जा रही थी। तब डर था कि कहीं टीम साथ न छोड़ दे। लेकिन जैसे ही पाबंदियां हटी
तो वो अपनी टीम के साथ आ गए, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ आकर अपनी टीम को संभालने लगे। यहाँ अपनी लीडरशिप को और बढ़ाया, अपनी लीडरशिप के नए आयाम स्थापित करने लगे और अचीव किया डायमंड शिप का रुतबा। मिस्टर शिशिर कुमार नायक